क्या चीज़ है सर? ये गरबूल है। आप लोग खा रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। ब्लॉगिंग कितनी मुश्किल है, लोग खा रहे होते हैं आप वीडियो बना रहे होते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत ठंड है, ये आप लोग सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ बुसत अलबलूशी। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बड़े अरसे के बाद हमें एक व्लॉग बनाने का मौका मिला है, जिसमें हम आप लोगों को कोई सलमान के खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे, कुदरती हसीन मनाजिर और फलक बोस पहाड़। तो खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम व्लॉग बना रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं वादी दुर्ग से इंशाल्लाह। और किस जानिब निकल रहे हैं सफर भाई हमारे साथ हैं, बता देंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं कि जारनी की तरफ, जारनी तंगा जो है वहाँ पर बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम दुर्ग से रवाना हो रहे हैं, पहले क्यारा पहुँचेंगे, क्यारा के बाद गड़गोजी जाएंगे, गड़गोजी के बाद फिर जारनी तंगा। सर लोग भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, बने रहे हमारे साथ, खूब इंजॉय करेंगे, आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। नाजरीन इस वक्त हम लोग क्यारा पहुँच चुके हैं, तो ये नीचे अगर दिखाई दे रहा हो ये गड़गोजी का इलाका है, तो हम गड़गोजी की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो गड़गोजी जो ही पहुंचेंगे वहां से एक दोस्त है उसको पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम जारनी पहुंचेंगे। जो ही जारनी पहुंचेंगे हमारा जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ, अपडेट करते रहेंगे आप। अच्छा वैसे सर इस तो हरियाली ज़्यादा है, ऐसा नहीं है? माशाल्लाह देखें ये वादी कितनी खूबसूरत है, पहाड़ों को देखें क्या खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक ने कैसे हसीन हसीन मनाजर पैदा किए, देखने वाली आंख सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है। बाय द वे अभी मैं साउंड वगैरह लगा देता यहाँ पे, लेकिन ये मसला ये है कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो पहले मेरे पास थी साउंड्स नॉन कॉपीराइट, उनमें भी आजकल कॉपीराइट आ रहा है, तो अभी गुजारा करें बस। बहुत मुश्किल रास्ते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप तो सही जा रहे हैं, क्यों? हाय हाय हाय, ये मंजर कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत मंजर है। खा लें सर, ऊपर खाएंगे, ऊपर बहुत है। अच्छा क्या चीज़ है सर? ये गरबूल है। कुसलमान और ये बलूचिस्तान जितने खूबसूरत है उतने ही मेवे पाए जाते हैं लजीज किस्म के। ये एक मेवा है, इसे गरगूल कहते हैं कबायली जबान में। आप लोग खा रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, सही है, थोड़ा हेल्प करें मेरी। ब्लॉगिंग कितनी मुश्किल है, लोग खा रहे होते हैं आप वीडियो बना रहे होते हैं। क्या आप बैठ कर खाएंगे? इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, कह सकते हैं हम यहाँ पे कि ज़मीन पर एक जन्नत का टुकड़ा है। और ये लोग सही से एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे, इनके घर भी हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत इलाका है। आप लोग जैसे देख सकते हैं ये आबशार इनके साथ और ये बड़े बड़े पहाड़, फील करें कुछ। तो देख लें ये खूबसूरत जगह कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है। ये आबशार देख लें, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। कभी आप आएँ यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाएगा। जारनी इलाके का नाम है, बलूचिस्तान का छोटा सा इलाका है, बहुत खूबसूरत है। अभी तो हमने बलूचिस्तान का बे भी नहीं देखा, आगे जाएँगे इंशाल्लाह आप लोगों को खूब इंजॉय कराएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जगह देखें दोस्तों, अभी और क्या दिखाएं आप लोगों को, खूब इंजॉय करें। अब करें गाइस, यहाँ पे बहुत ठंड है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
हाय हाय, इतनी ठंड है, मोबाइल गीली हो रही है इनकी वजह से, नाबचार की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जो है जानी क्या तंगा है। हमारा जितना भी स्टाफ है, जितने भी दोस्त है, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो अपनी बोतल वगैरह पानी में रखी हुई है। जो शिराज साहब है वो भी दोस्तों के साथ गप शप लग रहा है। ऊपर आकर आपको अक्षर नज़र आ रही हो, वहाँ पर भी हमारे उस्ताद अकराम मौजूद है, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमारी वॉइस हो सकती है कि आपको नहीं मिल रही, लेकिन काफ़ी प्यारा जगह है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हमें भूख का एहसास हो रहा है, खाना वाना बना के कुछ पेट पूजा करते हैं। सर यहाँ पे सर लोग लगे हुए हैं खाना वाना बनाने के लिए। अच्छा, खाने का क्रेडिट हमारे इन सर को जाता है, किराज सर बहुत खूब बनाते हैं खाना। आओ, आग लग रही थी मुझे, अभी वीडियो बनाते हैं। हमारी गाँव सब बोलते हैं ना, जब तैयार हो जाए बस इंतजार नहीं करना। और खाना खाने के बाद जी हाँ, हम दूसरी चीज़ें भी काट रहे हैं, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुकिंग है, एकदम कश्मीर की लुकिंग आ रही है। जितने भी टूरिस्ट हैं सबको इनवाइट करता हूँ कि बलूचिस्तान में इलाकों को जो है ना एक्सप्लोर करें, देखें आके ये चीज़ें इतने खूबसूरत, इंजॉय करने वाली जगह हैं। अगर मज़ा ना है तो पैसे वापस। सही है, सही है। अभी आपको दिखाऊं, जैसा कि आप लोगों ने देखा छोटा सा व्लॉग हमने बनाया था, ये इलाका है जारनी का। सरवर भाई की मदद से हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस तरह की खूबसूरत इलाके मिले हैं। थैंक यू भाई, वेलकम। इस वक्त नाज़रीन हम जारनी के तंगे पर मौजूद हैं, हमने यहाँ पर पिकनिक मनाई, और इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारी वीडियोस भी आएंगे, हमने किस तरह एंजॉय किया, किस तरह का माहौल था यहाँ पर, वो सब इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सबका बहुत शुक्रिया।